kindly इसको एक और BRT ना बनाया जाए। मेरे ख्याल में पिशावर जलमी 500 PSL जीत चुकी हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो हैं वो ब्रेक इवन में होंगे। प्लान हमारी ख्वाहिश भी थी, आवाम की ख्वाहिश भी थी, और देखें जब आप पाकिस्तान सुपर लीग वापस आ रहा है तो हमारी सबसे पहले ख्वाहिश तो यही होगी कि हम अपने होम और अवे सीरीज़ को आगे लेके चलें और उसको आगे बढ़ाएं। तो अगर होम और अवे सीरीज़ की बात थी तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम पिशावर में अपने मैचेस कराते, लेकिन पिशावर में चूंकि जो वहाँ के स्टेडियम है अरबाब नियाज़ स्टेडियम वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इंशाल्लाह जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऑलरेडी फ़ंड भी एलोकेट किया है पिछले 3 सालों से, तो मेरी ये गुजारिश भी होगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कि काइंडली इसको एक और BRT ना बनाया जाए और इसको आप लोग जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाएं, ताकि जो वहाँ के शायकीन हैं वो क्रिकेट स्टार्स को वो अपने आंखों के सामने देखें। ये आज मैं आपके मीडिया के तवसुत से ये न्यूज़ आपको दे दूँ कि जब स्कूल क्रिकेट मैंने स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और उसके बाद मैंने अंडर 16 के लिए अप्लाई किया खैबर पख्तूनख्वा में, तो मेरा दूसरा दिन था जिसके बाद मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मैंने क्रिकेट को प्रोफेशनली ज्वाइन नहीं किया। ख्वाहिश बड़ी थी कि हम प्रोफेशनली इस क्रिकेट को ज्वाइन कर लेते। असल बात मैं बताऊं कि पिशावर जलमी जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली बन चुकी है, उसमें ना सिर्फ डेरेन सैमी की बात बल्कि ओवरऑल जितने भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं वो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, चाहे उसमें कामरान अकमल है, उसमें वहाब रियाज है, उसमें हमारे पास हसन अली हैं, तो हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं, और उस फैमिली की बॉन्ड की वजह से तो उनकी भी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने लोकल के साथ पाकिस्तानियों के साथ चाहे वो उर्दू में पश्तो में वो इंटरेक्ट करूँ, बात करूँ लोगों से। मेरे ख्याल में ये एक बायस तहसीन बात है हमारे लिए और एक जलमी फैमिली के लिए पूरे, ये जिसमें मोहम्मद अकरम का बड़ा रोल था, मोहम्मद अकरम ने इन सारे फैमिली इस पूरी फैमिली को एक जलिंग यूनिट क्रिएट करके दी, और वो शुरू दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम चले आ रहे हैं, एक आधो प्लेयर आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, बट एटलीस्ट उनके आने या जाने से उस तरीके से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में पिशावर जलमी 500 PSL जीत चुकी है, नाम सिर्फ ट्रॉफी का होगा कि हम एक ट्रॉफी उठाई हुई है हमने, लेकिन हमने ओवरऑल 500 PSL अभी तक जीती है, और हमारी कोशिश है कि हम लोगों की दिलों की पहचान बने, ना कि सिर्फ ट्रॉफी की हद तक हम लोगों की पहचान बने। बिल्कुल होगा, देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कमर्शियल बिजनेस, और हर एक फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में है अगर वो पैसे कमाएंगे तो उसी तरीके से उसका जो इंटरप्रिटेशन है स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट का और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वो भी भरपूर तरीके से होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम अ बिग इंडस्ट्री, और इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो मर्चेंडाइज के हैं, खाने पीने के हैं, ग्राउंड्स के हैं, लोगों के हैं, तो इट्स अ बिग इंडस्ट्री एंड PSL क्रिएटेड दैट पैसेज दैट वे फॉर क्रिएटिंग द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बहाली में काफ़ी असर उसका मुरतब होगा। देखें एक टीम के खर्चे होते हैं कि जो प्लेयर्स के और कोचेज़ के खर्चे होते हैं, एक ब्रांड के खर्चे होते हैं, एक आपको फ्रेंचाइजी फ़ी देनी होती है, तो लमसम अमाउंट अगर आप देखें तो तकरीबन ये 40-45 करोड़ रुपए के आपके ऑन एवरेज हो के हमारी फ्रेंचाइजी फ़ी मिल मिला के 25-26 करोड़ होती हैं, उसके अलावा ये 15-20 करोड़ रुपए ऑन टॉप ऑफ इट ये और ख़र्चे होते हैं, तो जो कि हम PCB के साथ मिल के ये हमारी इश्तराक होती हैं कि एक रेवेन्यू भी जनरेट होती है, सेंट्रल पूल की भी रेवेन्यू जनरेट होती है, प्लस स्पॉन्सर से भी हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो हैं वो ब्रेक इवन में होंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह हम खुशखबरी देंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हमारी जो किरदार होगा वो किस हद तक होगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान में डिफरेंट लीग्स कराने के हवाले से इंशाल्लाह वन करीब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मईशत के लिहाज से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मईशत की बात की जाए तो हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के उन पिलर्स को, उन चीज़ों को कि जिसमें हमारा सपोर्ट तय दिल से होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, जॉब क्रिएशन हो, वेल्थ क्रिएशन हो पाकिस्तान के अंदर,